हाँ इसलिए मैंने ग्रुप में भी डाल दिया है अपने। हाँ ओके। हाँ रोज लेते हैं, 2 क्लास रोज हो रही है, नहीं तो होगा ही नहीं, पूरा सिलेबस दो बहुत सुबह अच्छा लेते हैं, दो होगा। शाम को एमएससी के लेते हैं। और शाम को फिर हमने, चूंकि आप लोग की क्लास चलती थी, तो इवनिंग में हमने एमएससी को शिफ्ट कर दिया मॉर्निंग की जगह। हाँ एमएससी तो सुबह है, हाँ 10 बजे से और 11:30 एवरी डे लेते हैं, नहीं तो काफी हो गया कोर्स, अब 10-20% बचा हुआ है, मुझे लगता है 2-3 दिन में हम उसको पूरा भी कर देंगे। हाँ आप 11:30 कर दीजिए डेली का, मुझे होता है कि मैनेज हो जाएगा। जोलॉजी शायद लगभग पूरा हो गया है उनका, थोड़ा बहुत बचा है। हाँ ठीक है। ओके थैंक यू बेटी, थैंक यू सो मच। ओके मिलती हूँ, बाय। कह रही है मैं कर दूंगी 11:30 से, बोली हमें बच्चों ने बताया ही ये बात। कौन ले रही है? प्रीति? हाँ मैंने शुरू कर दिया। मैं जा रही हूँ खाने। बुरा लगे चाहे अच्छा लगे, तो अपनी बात को तो कहना जरूरी है, नहीं कहेंगे तो कैसे चलेगा। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। हाँ, केमिस्ट्री क्लास आपकी थोड़ा डिले हो गई, उनसे बात हो गई है, तो थोड़ा कंफ्यूजन जो उनको दूर कर दिया है, तो मेरे बाद फिर केमिस्ट्री की क्लास होगी आपकी। आज लाइकन का थर्ड पार्ट हम लोग डील करेंगे। थर्ड पार्ट में दो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट हैं। पहला है लाइकन सिंथेसिस, या सिंथेसिस ऑफ सिम्बियोन्ट्स भी कहते हैं इसको, कि अलग अलग जो एल्गी है, फंजाई के, क्या हम उसको प्रयोगशाला में नए रूप में बना सकते हैं कि नहीं बना सकते। पहला पार्ट ये है। दूसरा पार्ट है इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, जो कि लगभग हर साल पूछा जाता है एग्जाम में, कि आर्थिक रूप से लाइकन्स हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण हैं, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट हम लोग डील करें। तो पहला है सिंथेसिस और रीसिंथेसिस ऑफ सिम्बियोन्ट्स इन द लेबोरेटरी। सामान्यतः इसके लिए हम टिश्यू कल्चर की मदद लेते हैं, क्योंकि टिश्यू कल्चर निश्चित रूप से आपके लिए नई टेक्निक है, तो थोड़ा सा मैं आइडिया ही देना चाहूंगा। टिश्यू कल्चर या ऊतक संवर्धन विज्ञान की या बायोटेक्नोलॉजी की वो शाखा है जिसमें हम प्रयोगशाला वाली अवस्थाओं में, एसेप्टिक कंडीशन में, किसी खास मीडियम में, कल्चर मीडियम में, क्योंकि नॉर्मली पौधा कहाँ उगता है? मिट्टी में, या पानी में भी उगाते हैं हाइड्रोपोनिक्स में, या तीसरी पद्धति है एयरोपोनिक्स की, हवा में लटका के भी रूटिंग सिस्टम को डेवलप किया जाता है। लेकिन टिश्यू कल्चर में हम पौधे की किसी भी कोशिका को, यदि स्टरलाइज्ड कंडीशन में, एक कल्चर मीडियम जैसे मोरास गेयर डिस्कुक
क्योंकि सबसे पॉपुलर मीडियम है, उसमें वो सारी चीजें हम मिलाते हैं जो एक पौधे के वृद्धि के लिए अति आवश्यक है, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, फ्यू ग्रोथ हार्मोन्स जैसे ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिंस, और इसके साथ साथ कुछ और मिनरल्स जैसे कोकोनट वाटर ले सकते हैं, और भी कुछ हमें लिया जा सकता है। तो पौधे की वृद्धि के लिए, नॉर्मल वृद्धि के लिए, जैसे हमारी वृद्धि के लिए तमाम चीजों की जरूरत होती है, इसी तरह पौधों के लिए भी जरूरत होती है। तो वो सारी चीजें हम उस कल्चर मीडियम में ऐड करते हैं। साथ के साथ शुगर होती है, अगार अगार होता है जो कि एल्गी से प्राप्त किया जाता है। तो इस तरह वो कल्चर मीडियम बनता है। तो पहली अवस्था टिश्यू कल्चर के लिए, ऊतक संवर्धन के लिए एक उपयुक्त कल्चर मीडियम। दूसरा स्टरलाइज्ड कंडीशन। स्टरलाइज्ड का मतलब है जैसे हॉस्पिटल में ऑपरेशन थिएटर में जो हालात रहते हैं वही एक टिश्यू कल्चर में लैब में होना चाहिए। मतलब माइक्रोब्स आपको हिंडर ना करें, परेशान ना करें। एक तरह से ये भी एक छोटा सा ऑपरेशन मान सकते हैं पौधों के साथ किया हुआ। तो जो भी हम पार्ट लेते हैं, ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द प्लांट कैन बी कल्चर्ड इन लेबोरेटरी अंडर एसेप्टिक कंडीशन, क्योंकि हर कोशिका में जेनेटिक या इनहेरेंट कैपेबिलिटीज होती हैं। यदि उनको हम उपयुक्त वातावरण में ग्रो कराने की कोशिश करें तो वो अपने ही तरह की पौधा बनाने की क्षमता रखती है। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ टोटिपोटेंसी, है आगे चल के पढ़ेंगे डिटेल में। टोटिपोटेंसी के हिसाब से जो स्टीवर्ट साहब ने बताया था ये सिद्धांत। वैसे तो टिश्यू कल्चर 1902 से लगभग चल रहा है, हेवरलैंड का पहला वो सिंपल प्रयोग। उसके बाद हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं और इसी टिश्यू कल्चर की मदद से हम लाइकन्स के दोनों कंपोनेंट्स को पहले हम अलग करते हैं, एल्गी अलग की जाती है, फिर फंजाई अलग के लिए जाती है। हाँ, एल्गी फंजाई के लिए मीडियम फर्क हो सकता है। ये तो मैंने जनरल मीडियम अभी आपको बताया था मुराजगेंड इसको। तो मुराजगेंड इसको ऐसा नहीं है हर जगह इस्तेमाल होगा, वो बेसिकली हायर प्लांट्स के लिए यूज करते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा वेरिएशन हो सकता है। फंजाई बेसिकली हम जैसे बैक्टीरिया को ग्रो कराते हैं, कल्चर करते हैं, सीडीएम मीडियम, पीडीएम मीडियम, उस तरह के माध्यम में उगा सकते हैं, और इसी तरह फिर एल्गी को हम उगाएंगे। तो पहले लाइकेनथैलस में, लिविंग लाइकेनथैलस में दोनों कंपोनेंट्स को सेपरेट आउट किया जाता है, उसके बाद फिर उनको यूनाइट करने की कोशिश करते हैं। हाँ, उसमें ऐसा नहीं है कि कोई भी एल्गी, कोई भी फंजाई को हम मिला के लाइकेनथैलस बना लें, तो ऐसी कोई संभावना पॉसिबल नहीं है। नेचर में सारी चीजें बड़ी अद्भुत है, एक लिमिटेशंस हैं, हम उसके बियॉन्ड नहीं जा सकते। तो जो थैलस में जो फंजाई मेंबर ऑफ द एस्क्वामाइसिटीज, मेंबर ऑफ द बेसिडोमाइसिटीज, उन्हीं का कॉम्बिनेशन हमको लेना पड़ेगा, तब जाके हम प्रयोगशाला में लाइकन थैलस का कृत्रिम रूप से सिंथेसिस कर सकते हैं। तो सारी चीज को मैंने बस आपको हल्का सा समझा दिया है, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं है आपके सिलेबस में ये सब चीजें। तो एल्गी है तो चाहे वो एल्गी आपको ग्रीन एल्गी है उसको हम ग्रो कराएंगे, चाहे वो ब्लू ग्रीन एल्गी है उसको ग्रो कराएंगे। हाँ, जेंथोफाइसी के बहुत कम मेंबर्स पाए जाते हैं, मेनली क्लोरोफाइसी और साइनोफाइसी के मेंबर्स पाए जाते हैं। जिस तरह ड्यूटरमाइसिटीज के मेंबर बहुत कम पाए जाते हैं, मेनली एस्कोमाइसिटीज के मेंबर पाए जाते हैं। तो इस तरह हम प्रयोगशाला में, हाँ वो अलग बात है कि रिजल्ट बहुत अलार्मिंग नहीं मिले हैं। डॉक्टर एम हरजियान इसमें एक अथॉरिटी है, वर्ल्ड अथॉरिटी है। इन्होंने सबसे पहले इस तरह के प्रयोग किए थे, उसके बाद और बहुत सारे ग्रुप्स ने प्रयोग किए, लेकिन फिर भी 100% नेचुरल लाइकेनथैलस नहीं बन पाया। कि दोनों कंपोनेंट को अलग किया, फिर उनको ग्रो कराया, मिलाया, फिर उसके बाद ग्रो कराने के बाद जो कंपोजिट थैलस बनाया नया, रीयूनाइट करने के बाद, दैट इज नॉट 100% एक्सैक्ट। हाँ, सेफालोडिया का बनना एक नेचुरल लाइकन सिंथेसिस है अपॉन ए सर्टेन लाइकन थैलस। ये नेचुरल रिपोर्टिंग है, क्योंकि सेफालोडिया में जो एल्गल और फंजाई कंपोनेंट मिलते हैं, जिस पर वो उगा पाया जाता है ऊपर से सरफेस पर, आईसीडिया सेफालोडिया की तरह, वो कंपोनेंट अलग है। यदि सेम होते तो मान के चलते कि इसी थैलस का पार्ट है जिस पर वो बन रही है सेफालोडिया सेफेली, लेकिन सेफालोडिया का बनना एक नेचुरल लाइकेनथैलस का उत्कर्ष उदाहरण है। तो ये थोड़ा सा आइडिया मैंने आपको दिया, वो अलग बात है बीएससी में बहुत ज्यादा सारी चीजें डिटेल में नहीं है। नेक्स्ट पार्ट इज ग्रोथ ऑफ द लाइकन। जैसे शुरू में मैंने आपको बताया हैबिटेट है, अकरेंस है, कहाँ कहाँ किन किन परिस्थितियों में लाइकन पाए जाते हैं। लाइकन बेसिकली पूरे हिमालय में पाए जाते हैं, पूरा वेस्टर्न घाट पर पाए जाते हैं,
इवन एंटार्क्टिक रीजन, दक्षिणी पोल पर भी पौधों के रूप में जो भी पौधे पाए गए हैं वो केवल लाइकन्स के रूप में है। तो मान के चलिए कि एल्पाइन जोन तक लाइन की वृद्धि देखी गई है। बेसिकली लाइकन्स का जो नॉर्मल अकरेंस है, नॉर्मल हैबिटेट है, हैबिटेट का सिंपल मतलब एड्रेस ऑफ द प्लांट, जहां पे वो जिन परिस्थितियों में पाए जाते हैं वो पूरी हिमालय रेंज में। तो ये अलग अलग सबस्ट्रेटम पर देखा गया है, ये बार्क पर है, ये एस्पर्स्टो शीट पे दिखा है, दिस इज स्टोन्स पे, ये डाल पे दिखाई दे रहे। तो जो भी मैंने हैबिटेट के आधार पे ऑलरेडी बता दिया। अब थोड़ा इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस को, हर टॉपिक को ध्यान से सुनेंगे आप लोग। अलग बात है कि केवल 16 लोग जुड़े हुए हैं, मुझे नहीं पता कि बाकी लोग कहाँ हैं। पहला है यूज्ड एज फॉडर, हम इनको चारे के रूप में यूज करते हैं, या नेचुरली एल्पाइन जोन में फॉर एग्जाम्पल, वहां पे आपने देखे होंगे खास तरह के हिरन मिलते हैं। नेशनल ज्योग्राफिक डिस्कवरी एनिमल प्लेनेट पे आप लोग कुछ प्रोग्राम देखा करिए तो आपको समझ में आएगा कि वो जो बर्फ में कुछ खाते रहते हैं, तो और तो कुछ होता नहीं है पौधा वहां पर, तो वो बेसिकली लाइकन्स को ही खाते हैं। बर्फ के नीचे जो दबे हुए लाइकन्स हैं उन्हीं को वो वहां पाए जाने वाले तमाम एनिमल्स इंक्लूडिंग रेनडियर जो एक प्रकार का हिरन है, तो क्लेडेनिया को, क्योंकि क्लेडेनिया को खाते हैं इसलिए इसको हम रेनडियर मॉस भी कहते हैं। मॉस एक मिसलीडिंग टर्म है, तो ये आपके शुरुआती दौर से यही वर्ड यहाँ इस्तेमाल हुआ जाता है, जबकि मॉस तो आपको हाइब्राइफाइट्स मैथ को कहा जाता है। तो आप लोग कंफ्यूज ना हो, रेंडर मॉस जो कि खास तरह के हिरन के द्वारा खाए जाते हैं, जैसे आपका क्लेडोनिया। दूसरा है आइसलैंड मॉस, वही ठंडे इलाकों में मिलते हैं, सिट्रेरिया है। दूसरी कैटेगरी है यूज्ड एज फूड एंड सैलड, बहुत सारे कंट्रीज में सलाद के रूप में, जैसे हम लोग गाजर टमाटर प्याज खाते हैं, वो लोग भिन्न भिन्न प्रकार के पौधे खाते हैं, उनमें ये भी एक पार्ट होता है ग्रीन कंडीशन में। जैसे पार्मेलिया की कुछ स्पीसीज है वो करी पाउडर के रूप में यूज होती है, अम्बेलेकेरिया सैलेड इन जापान में वो लोग खाते हैं, और शायद इन्हीं वजह से वो लोग बहुत उम्र होती है जापानीज की। अब थर्ड पार्ट है मेडिसिंस में, मेडिसिंस में बहुत सारे लाइकन्स इस्तेमाल होते हैं, मेनली ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सर्टेन केमिकल, जैसे मैंने केमिस्ट्री ऑफ लाइकन आपको बताई थी। तो केमिस्ट्री का मतलब है रासायनिक रूप से लाइकन थैलस में कितने प्रकार के रासायनिक पदार्थ पाए जाते हैं जिनमें बेसिकली सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं। तो पहला है कॉमन नेम ही इज डॉग लाइकन, डॉग माने कुत्ता। अब आपकी समझ में आ जाना चाहिए कि ये कुत्ते के काटने की बीमारी जो भी हमको रेबीज होती है, वायरल डिजीज है, पेल्टीजरा से उसकी दवाई बनती है। बीमारी कौन सी है? हाइड्रोफोबिया, पानी के प्रति थोड़ा सा घृणा हो जाती है, पानी पीना नहीं चाहता वो पेशेंट, यदि पागल कुत्ता काट ले तो। ऐसी कंडीशंस में ठीक है इंजेक्शन अवेलेबल है, लेकिन आयुर्वेदिक मेडिसिन के रूप में भी पेल्टीजरा के द्वारा उन कुत्तों के काटने से जो बीमारी संभावित हो सकती है दवाई बनती है। दूसरा है लंगवर्ट, कॉमन नेम ऑफ द लाइकन इज लंगवर्ट विच इज नोन एज लुबेरिया स्पीसीज, तमाम तरह के फेफड़ों के इन्फेक्शन में इस्तेमाल होता है इंक्लूडिंग टीबी, जेंथोरिया जॉन्डिस में इस्तेमाल होता है, पीलिया क्लेडियोनिया वूपिंग कफ में, जो हम सामान्य रूप से काली खांसी बोलते हैं। चौथा पार्ट है यूज्ड एज डाइज, डाइज बहुत सारी केमिकल कंपाउंड जो कि बेसिकली ऑर्गेनिक वीक एसिड्स होते हैं, उनको हम भिन्न भिन्न डाइज के रूप में इस्तेमाल करते हैं, नेचुरल कलर के रूप में, एडिबल कलर होते हैं बेसिकली ये, दे आर नॉट सिंथेटिक बट नेचुरल वन, ऑब्टेन फ्रॉम रोचेला एंड लेकनोरा। पांचवा पार्ट है यूज्ड एज कॉस्मेटिक्स एंड परफ्यूम्स में, बहुत सारी तरह की कॉस्मेटिक्स बनती हैं, परफ्यूम्स बनती हैं जो हम रोजमर्रा इस्तेमाल करते हैं, उसमें रामेलाइना और एवरनिया इस्तेमाल होता है। छठा पार्ट है लिस्मर्टिस, लिटमस पेपर आप लोग केमिस्ट्री वगैरह में लिटमस पेपर हम लोग भी इस्तेमाल करते हैं, किसी भी अननोन सॉल्यूशन की एसिडिटी और एल्कलिनिटी को पता करने के, कोई भी सॉल्यूशन है, इवन सिंपल वाटर जो हम पी रहे हैं उसका भी देख सकते हैं कि वो न्यूट्रल है कि एसिडिक नेचर है कि उसकी एल्कलाइन नेचर है। तो उसके लिए आप, क्योंकि एडवांसमेंट हो गया है, पीएच मीटर तक आ गए हैं जिनमें कि
आपका इलेक्ट्रोड लगा होता है, बिजली से लगाइए, इलेक्ट्रोड को डुबा दीजिए उस अल्ट्रासाउंड में, लेकिन इससे पहले पूरी रेंज के आप लिटमस पेपर आते थे 0 to 14, पूरी रेंज है उसी हिसाब से हम उनको इस्तेमाल करते थे कि ये, और उसमें जो कलर चेंज होता था उसके आधार पे हम ये पता लगा पाते थे कि जो अननोन सॉल्यूशन है हमने बनाया है इट इज स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, न्यूट्रल, वीक एल्कलाइन या स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन है। तो उसमें होने वाले, इस्तेमाल होने वाले वो कलर, वो इंडिकेटर आपका लाइकन से प्राप्त होते हैं। सातवां पार्ट है हवन सामग्री। हवन सामग्री हमारे रिचुअल्स का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, विशेष रूप से सनातन धर्म में, कि हवन सामग्री के बिना कोई भी इंपॉर्टेंट पूजा नहीं हो सकती। बॉटनी के छात्र होने के नाते आप लोगों के मन में जिज्ञासा होती होगी कि इतनी सारी, वो अलग बात है कि मार्केट में बनी बनाई सामग्री मिलती है, लेकिन अधिकतर हम जब लार्ज स्केल पर करते हैं पूजा पाठ, कोई हवन करते हैं लंबे दिन तक चलने वाला, तो हम क्या करते हैं कि उन सारी चीजों को मार्केट से खरीद के लाते हैं, बलिया से खरीदते हैं, शराबों की दुकान है और बहुत सारी दुकान है आप देखें चौक के आसपास। तो कभी ये जानने की कोशिश करिए कि उन हवन सामग्री में क्या क्या चीजें होती है। घी कपूर तो बाद में मिलाया जाता है, जो कि अलग मिलाते हैं हम लोग, मिला के बड़े से बर्तन में उसको मिलाया जाता है, तो आपको जानकारी होनी चाहिए। वो करीब 50 से ज्यादा कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं। यदि पूरी हवन सामग्री का एनालिसिस किया जाए, बॉटनिकल एनालिसिस किया जाए, तो बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है ये हमारे जीवन का। उसमें एक पार्ट लाइकन होता है, इसमें भी फॉलियोज, इसमें भी फ्रूटिकोज लाइकन, क्योंकि जनरली क्रिस्टोज को नहीं लाया जा सकता। क्यों नहीं लाया जा सकता क्रिस्टोज? क्योंकि अच्छी तरह पेपरी फॉर्म में चिपके रहते हैं सब्सट्रेटम पर, यू कैन नॉट, उनको आसानी से रिमूव नहीं किया जा सकता, आपको कोई चाकू वगैरह ले जाना पड़ेगा, छुरी ले जानी पड़ेगी। तो जो भी मार्केट में दवाई के रूप में छड़ीला के नाम से बलिया के चौक के आसपास जो ठेले मसाले वगैरह बेचते रहते हैं, आप उनसे पूछिएगा हमको 5 रुपए का छड़ीला दे दीजिए। अब उनको लाइकनथेस कोई मतलब नहीं है, वो आपको 5 रुपए का थोड़ा सा छड़ीला दे देंगे, उसमें कुछ पार्ट फोलियोज लाइकन का भी हो सकता है, सूखी हुई अवस्था में होंगे, कुछ पार्ट आपका फ्रूटिकोज भी हो सकता है। तो लोकल कलेक्शन यदि आपको करना है प्रैक्टिकल के हिसाब से, थोड़े से लेवल पे 5-10 रुपए का ले लीजिएगा, और उसके बाद आइडेंटिफिकेशन ऑनलाइन भी कर सकते हो, आइडेंटिफिकेशन हमसे पूछेंगे तो हम बता देंगे जब भी कॉलेज, क्योंकि संभावना बन रही है कि 7 फरवरी से कॉलेज नॉर्मल खुलेंगे। तो हवन सामग्री बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसमें रामेलाइना और एवर्निया, ये दो जीनस है लाइकन की, ये विशेष रूप से इस्तेमाल होती है। आठवां इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट पार्ट है सोर्स ऑफ द मटेरियल, मिनरल्स। बहुत सारे खनिज लवण लाइकन में पाए जाते हैं, जैसे कैल्शियम ऑक्सलेट लेकनोरा से प्राप्त किया जाता है, नौवां पार्ट है यूज्ड इन टैनिंग, ब्रूइंग एंड डिस्टिलिंग। ये तीन इंपॉर्टेंट पार्ट है। टैनिंग का मतलब है जो तमाम तरह की, हम अपने पूरे जीवन में तमाम तरह की लेदर से संबंधित, चमड़े से संबंधित प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं, बेल्ट है, पर्स है, बड़े बैग, छोटे बैग, जूते, चप्पल, सैंडल, तो लेदर की होती है अधिकतर। तो उस लेदर को, जो कि जानवर से प्राप्त किया जाता है, अलग अलग जानवरों से, एनिमल से, हम सीधे तो इस्तेमाल कर नहीं सकते उनको, तो पहला पार्ट होता है क्लीनिंग, मतलब अंदर वाले पार्ट में मसल्स होंगी उनको हटाया जाता है, ऊपर वाले पार्ट में हेयर्स होते हैं। तो एक लंबी प्रोसेस है, उस लंबी प्रोसेस के तहत उस लेदर को हम उपयोग लाइक बनाते हैं, दिस होल प्रोसेस इज नोन एज टैनिंग। दूसरी है ब्रूइंग। ब्रूइंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसमें बेसिकली हम जैसे चाय की पत्ती इस्तेमाल करते हो आप, तो वो आप देखेंगे उसमें खास तरह की प्रोसेस की जाती है चाय की पत्ती में। सीटीसी लिस्ट आपने देखा होगा, डिब्बे पर लिखा होगा कर्लिंग, टियरिंग एंड क्योरिंग। तो सीटीसीटी का मतलब है तीन पार्ट उसमें इन्वॉल्व होते हैं। पत्ती को तोड़ा जाता है चाय के बगान से, फिर इनको टीयरिंग किया जाता है, छोटे छोटे पार्ट में कन्वर्ट किया जाता है, फिर उसके बाद कर्ल किया जाता है। तो एक तरह से वो सिंपल फर्मेंटेशन की प्रोसेस है। तब वो चाय की हरी पत्ती हमारे रसोई तक आने लायक बनती है कि हम उससे चाय बना सके, दिस इज नोन एज ब्रूइंग। थर्ड पार्ट है डिस्टिलिंग। डिस्टिलिंग में बेसिकली हम एल्कोहलिक बेवरेजेस बनाते हैं,
तरह तरह की शराब तो आपने सुनी होगी, जिसमें कि रम है, विस्की है, वोदका है और पता नहीं कितनी तरह की है। तो उनकी डिस्टिलिंग के दौरान भी एक पर्टिकुलर स्टेप में लाइकन्स को ऐड किया जाता है। अब उसके बाद दसवां पार्ट है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको अलग से भी पूछा जाता है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस करके भी पूछा जाएगा और अलग से भी पूछा जाएगा, व्हाट इज इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ लाइकन्स। इकोलॉजिकली लाइकन्स हमारे लिए कैसे महत्वपूर्ण है, तो इस हेडिंग को हम तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। बहुत ये अच्छे से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। पहला है पाइनियर ऑफ वेजिटेशन। पाइनियर का मतलब पृथ्वी पे आने वाले पौधों के बारे में ये माना जाता है कि सबसे पहले पृथ्वी पर यही पौधे आए हुए होंगे। ठीक है, बैक्टीरिया है की ओरिजिन है, वायरस की ओरिजिन है, और उससे पहले बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स की ओरिजिन है, और उससे पहले अर्थ इस लायक बनी कि उसमें पानी विकसित हुआ, उसके बाद बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल जिनमें प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट, फैट है, आते हैं बेसिकली, उनकी उत्पत्ति हुई, उनकी खास मिलने की वजह से वायरसेस बने जो कि सिंपल केमिकल्स हैं, उसके बाद प्रोकैरियोटिक सेल्स बनी, यूकैरियोटिक सेल्स बनी। तो जब यूकैरियोटिक सेल्स बनने का निर्माण आया तो उस समय भी पृथ्वी बहुत गर्म थी, कंडीशन बहुत फेवरेबल नहीं थी। तो आज भी हम देखते हैं कि लाइकन की वृद्धि जहां जहां हमें पाई जाती है पत्थरों पर चिपके हुए रहते हैं, तो ऐसी कंडीशन में सामान्य पौधा नहीं उग सकता। तो संभवतः पहले क्रस्टोज आए होंगे, फिर फोलियोज, देन फ्रूटिकोज, उसके बाद ब्रायोफाइट, एल्गी, फंजाई, टेडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। दिस इज अ टाइप ऑफ सक्सेशन, इकोलॉजिकल सक्सेशन, स्टार्टिंग फ्रॉम द सिंपल वायरसेस, सिंपल बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल टू द एंजियोस्पर्म प्लांट्स। ये एक लंबी प्रोसेस है। आपने ओरिजिन ऑफ लाइफ भी पढ़ी होगी कि अलग अलग पौधे जो आज हमें तमाम पृथ्वी पर नजर आ रहे हैं, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख प्रकार के प्लांट्स इंक्लूडिंग माइक्रोब्स, वो सब एक ही समय में नहीं आए, डिफरेंट एराज में आए, मीजोजोइक एरा, सीनोजोइक एरा, ये एरा, वो एरा, बहुत पढ़े होंगे आपने। तो दे आर सपोज टू बी एक्ट एज पायनियर, माने पहल करना किसी भी चीज को। मैंने कोई पहले सबसे पहले काम किया तो वो उसमें मेरा नाम आएगा, आर पी राघव। आपने कोई काम किया तो आपका नाम आ जाएगा कि सबसे पहले ये काम किया, क्योंकि पौधों ने सबसे पहले पृथ्वी पर आए, उनमें लाइकन्स आए बड़े पौधों में, तो इसलिए इनको पायनियर ऑफ वेजिटेशन कहा जाता है। दूसरा इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है, दे आर एक लिटिल बिट हेल्प्स इन द सॉइल फॉर्मेशन। कुछ हद तक ये मिट्टी के बनाने में, निर्माण में मदद करते हैं। कैसे मदद करते हैं? लाइकन्स, जैसे मैंने अभी बताया कि उनका एक वृद्धि स्टोन्स पर, रॉक्स पर भी होती है। ठीक है, ये प्रोसेस पीडोजेनेसिस कहलाती है। मिट्टी के निर्माण की जो वैज्ञानिक तकनीक है, वैज्ञानिक शाखा है, उसको हम पीडोजेनेसिस कहते हैं। लंबी प्रोसेस है, वेदरिंग कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है, गर्मी है, सर्दी है, बारिश है, बड़े बड़े पत्थर ब्रिक करके आपस में लुढ़कते हुए, तोड़ते हुए। आप देखेंगे कि गंगा में कभी आप ऋषिकेश गए होंगे, हरिद्वार गए होंगे, तो बड़े खूबसूरत पत्थर नजर आएंगे छोटे छोटे, तो ऐसे पत्थर तो नेचुरल नहीं होते। गंगोत्री से वो आए, बहते हुए आए, तेज धारा में बहते हुए आए, तो बड़े पत्थर रहे होंगे, आपस में टकराते टकराते छोटे छोटे हो गए। तो गंगोत्री से यदि हम फॉर एग्जाम्पल केवल गंगा रिवर की बात करें और गंगा सागर तक पहुंच जाए, जो अमूमन 3000 किलोमीटर का रास्ता है, आप देखेंगे वहां तो पत्थर मिलेंगे नहीं, तो ऊपर से चले हुए पत्थर टूटते 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 गंगा सागर तक मिट्टी का रूप ले लिया। फिर उसके बाद और बहुत सारी कंडीशन है मिट्टी के निर्माण में, तो लाइकन का एक छोटा सा रोल है, मेनली ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द वीक ऑर्गेनिक एसिड्स, क्योंकि इनके थैलस से वीक ऑर्गेनिक एसिड सिक्रीट होते रहते हैं, तो ये पत्थर को कोरोड कर देते हैं। कोरोड माने ऊपरी सरफेस को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। पानी के बहाव से, वर्षा से थैलस डिके कर गया, उसके साथ साथ थोड़ी सी लेयर उस पत्थर की भी टूट के पानी के साथ बह गई। दिस इज द सेकेंड पार्ट। थर्ड पार्ट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, दे आर इंडिकेटर ऑफ पॉल्यूशन। आपने इकोलॉजी में प्लांट इंडिकेटर्स पढ़े होंगे या पढ़ रहे होंगे, जो लोग मेडिकल की तैयारी कर रहे होंगे, तो वहां पे प्लांट इंडिकेटर्स का क्या मतलब है? वैज्ञानिक ये मान के चलते हैं, बोटनिस्ट ये मान के चलते हैं, इकोलॉजिस्ट ये मान के चलते हैं कि प्लांट्स, पर्टिकुलर प्लांट की ग्रोथ पर्टिकुलर प्लेसेस पर एक खास मिनरल्स को इंडिकेट करती है। मान लीजिए जूनिपर्स हैं, जिम्नोस्पर्म्स हैं, एंजियोस्पर्म्स की अलग अलग फैमिलीज हैं, उनकी जो प्रेजेंस है अलग अलग एरिया में
यदि जहां पे वो उगते हैं नेचुरली उस मिट्टी को देखा जाए, वहां पे मिनरल्स को देखा जाए, तो वो खास तरह की प्रेजेंस मिलते हैं। कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो बॉक्साइट, जहां एल्युमिनियम सोर्स ओवर होती है, वहां उगते हैं। कुछ ऐसे उगते हैं जहां पे पेट्रोलियम प्रोडक्ट आपका अर्थ के नीचे होती है। कुछ ऐसे होते हैं जहां गोल्ड है, चांदी है, बहुत सारे मेटल्स हैं, उनकी वृद्धि वहां पे ज्यादा देखी गई। तो उस सेंस में दे आर नोन एज प्लांट इंडिकेटर्स। यहाँ पे लाइकन्स एकदम अलग है थोड़ा सा। दे आर इंडिकेटर ऑफ पॉल्यूशन। पॉल्यूशन में तीन गैसेस हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाती है, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड। इन्हीं तीन गैसेस की वजह से ही एसिड रेन होगी, ग्रीन हाउस इफेक्ट होगा, सारी चीजें रिलेटेड हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट है, ग्लोबल वार्मिंग है, कार्बन मोनोऑक्साइड इसमें सबसे हानिकारक है, पॉइजनस गैस है। कई बार हम क्या करते हैं, लेकिन अब तो थोड़ा सचेत हो गए कि बंद कमरे में कोयला जला लिया, तो कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से कई बार क्या होता है, डेथ हो जाती है। तो ये देखा गया है, क्योंकि अब हम लोग सारी जगह पहुंच गए हैं। अभी जैसे एवरेस्ट तक हमने नहीं छोड़ा, मंगल ग्रह भी पहुंच गए, केदारनाथ में जो हुई थी घटना वो ऐसे थोड़ी ही है, वो घटना है। मनुष्य जहां पहुंच गया वहां पे उसने डिस्टर्बेंस किया, तो सारे इकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस। अब आप देख रहे हो कि फरवरी में बारिश हो रही है, सारी चेंजेस हो रहे हैं वातावरण में, चेंजेस वो हमारी एक्टिविटीज की वजह से। हम हर जगह पहुंचना चाहते हैं, एवरेस्ट की चोटी पे मौका मिले तो घर भी बना ले। तो इन सारी चीजों का मतलब है इकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस। जहां भी हमने पहुंचे वहां की इकोलॉजिकल सिस्टम को हमने डिस्टर्ब कर दिया, घर बनाने शुरू किए, होटल बनाने शुरू किए, रोड बनाने शुरू की, तो क्या होगा, निश्चित रूप से ऑटोमोबाइल्स पहुंचेंगे, डीजल की खपत होगी, जनरेटर चलेंगे। तो ये तीन गैसेस विशेष रूप से निकलेंगे, और ये इनका निकलना की वजह से वहां प्रदूषण बढ़ेगा। प्रदूषण बढ़ेगा तो लाइकन इतने ज्यादा सेंसिटिव है, और उस लाइकन थैलस में एल्गी का पार्ट इज मोर सेंसिटिव देन द फंगल पार्ट। फंगल पार्ट इज मोर रेजिस्टेंट एज कंपेयर्ड विद द एल्गल कंपोनेंट। एल्गी खत्म हो गया मान लीजिए लाइकन में, तो पूरा लाइकन थैलस खत्म हो जाता है। तो ये मान के चलते हैं वैज्ञानिक, वह यातायात में अधिक मात्रा में जहां पे लाइकन पहले आज से 20 साल 50 साल पहले उगते थे, अब वहां लाइकन की वृद्धि कम होती चली जा रही है, क्योंकि वहां पे प्रदूषण बढ़ रहा है, हमारे द्वारा प्रदूषण बढ़ रहा है। तो ये लाइकन इंडिकेट करते हैं कि हम इसलिए कम हो रहे हैं कि प्रदूषण बढ़ रहा है। 11वां है एज एंटी कैंसर ड्रग्स। कैंसर से बीमारी से संबंधित बीमारी को दूर करने के लिए बहुत सारी दवाई बनाने में हेल्प करते हैं। एंजाइना है, हर्ट डिजीजेस में, एंटीसेप्टिक क्रीम्स में, इंटरमीडिएट फीवर में, पजेसिस एंटीबायोटिक एक्टिविटीज ड्यू टू उसनिक एसिड अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, लोबोरिया पल्मोनेरिया एंड सिट्रेरिया यूज इन ट्यूबरक्लोसिस एंड वेरियस अदर लंग डिजीजेस, पामिलिया सेक्सिटेलिस कॉमनली नोन एज स्कल लाइकन। स्कल माने खोपड़ी, वो एपिलेप्सी, क्योंकि एपिलेप्सी बेसिकली नर्वस डिजीज है जिसमें चक्कर वगैरह आते हैं, तो उससे बनाने में भी दवाई बनती है। सब लाइकन्स आर पॉइजनस इन नेचर। कुछ पॉइजनस भी होते हैं, जैसे एक लाइकन है वॉल्फ लाइकन, भेड़िया लाइकन, लेथेरिया इज ए टॉक्सिक लाइकन, क्लेडिनिया, सम स्पीसीज ऑफ क्लेडिनिया एंड एम्फिलोमा कॉजेस टोटल डिस्ट्रक्शन टू द कॉलोनीज ऑफ द मॉसेस बाय पैरासिटिक अटैक। ये देखा गया है कि पैरासिटिक अटैक के द्वारा ये क्लेडोनिया की कुछ स्पीसीज मॉसिस को, मतलब हाइब्राइफाइट्स को, यदि वो आसपास उगते हैं तो खत्म कर देते हैं। अब ग्रोथ ऑफ लाइकन्स बहुत सारी आप देख रहे हैं, बिल्डिंग पे देखी गई है, पहाड़ों पे आप चले जाए, पुरानी बिल्डिंग है, बेसिकली अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई है, पूरी बिल्डिंग पे ग्रोथ है। ग्रोथ की वजह से क्या हो गया, पूरी बिल्डिंग अच्छी नहीं लग रही देखने में, भद्दी लग रही है, और ये भी स्टोन धीरे धीरे करके आप देखेंगे कि खराब हो जाएगा, कुरोड हो जाएगा। तो ये बिल्डिंग भी कुछ समय के बाद हमें, यदि हम इसको रेगुलर वे में सफाई न करें, लाइकन की ग्रोथ को हटाएं ना, तो दिस इज हाँ, कुछ लाइकन्स का पार्ट अभी बताना है मुझे, जो कि एक तरह से हार्मफुल पार्ट है,
उस हार्मफुल पार्ट में लाइकन्स क्या करते हैं, पहला पार्ट है जैसे एक पार्ट हो गया पॉइजनस है, दूसरा पार्ट है कि जहां भी उगेंगे उस बिल्डिंग को खराब कर देंगे, सरफेस को खराब कर देंगे, और तीसरा पार्ट है कि ये जंगल में आग लगने में मदद करते हैं। तो ये तीन या चार रोल ऐसे हैं जो कि नेगेटिव हैं। हम इनको भी, तीनों पार्ट को भी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में डील करें, चाहे पॉजिटिव है क्योंकि पॉजिटिव ज्यादा है और नेगेटिव कम जरूर है, लेकिन अब आप कहेंगे कि ये जंगल में आग लगने में कैसे मदद करते हैं। ठीक है, ये आग को खुद नहीं लगाते, आग तो लगाने के लिए हम ही जिम्मेदार हैं। कोई हमने आग लगाई, कैंपिंग की, कुछ किया, बीड़ी सिगरेट है कुछ है वहां पे, छोड़ के चले आए तो हवा चली तो वो आग धीरे धीरे करके फैलेगी। लाइकन्स क्योंकि ड्राई सीजन में मई जून के महीने में वहां भी थोड़ी सी कंपेरेटिवली गर्मी पड़ती है, बहुत ज्यादा एल्पाइन पे जाएंगे तो वहां से नहीं होगा, कई बार ये नैनीताल तक आपको हल्की फुल्की गर्मी मिलेगी, काठगोदाम तक गर्मी मिलेगी आपको, यदि आप कुमाऊं क्षेत्र में चले जाएं तो आपको भीमताल तक गर्मी मिलेगी। यदि उस गर्मी में सूखा है, होता क्या है कि कभी आप गए होंगे पहाड़ पर, गए होंगे तो पाइनस के प्लांट देखे होंगे, काठगोदाम से ऊपर आपको पाइनस की ग्रोथ मिल जाएगी, पाइन की पत्तियां गिरती रहती है, पाइन आपको लोग बीएससी पार्ट वन में सेक्शन भी काटने को दिया जाता है आपको, वो नीचे पड़ी रहती है, रानीखेत जाएंगे तो भी मिलेंगी, सारे रास्तों में मिलेंगी, ड्राई हो जाती है, रेजिंस है, यदि आग लग जाए एक बार किसी तरह तो बहुत ही मुश्किल है ऐसी जगह में आग को रोकना, फैलने से रोकना। लाइकन इसमें कैसे मदद करते हैं कि डाल पे चिपके रहते हैं, ड्राई हो गए, थोड़ा सूखे हो गए तो वो तुरंत आग पकड़ लेंगे। जैसे कई बार हम क्या करते हैं, कागज डाल देते हैं आग पकड़ने, तो कागज की तरह वो हेल्प करते हैं, तुरंत आग पकड़ेंगे, एक डाली से दूसरी डाली पे आग फैलती चली जाएगी। तो ऐसी पहाड़ियों पे कोई पानी वाले टैंकर पाइपलाइन तो होती नहीं है, हाँ यदि ईश्वर की कृपा है और नेचुरली उस एरिया में बारिश हो जाए तब तो आग बुझ सकती है, नहीं तो आपने बहुत सारे केसेस इधर सुने हैं 4-5 सालों में, अमेजोन जो कि अमेरिका का पार्ट है, ऑस्ट्रेलिया, लाखों एकर्स में आग लगी, जानवर भी मरे, सारे पौधे प्लांट सिस्टम मतलब फौना एंड फ्लोरा दोनों डिस्टर्ब हो गए। तो लाइकन्स का वहां भी इसी तरह की रोल रहा होगा। तो नेगेटिव एस्पेक्ट भी हम लोग पढ़ेंगे, पॉजिटिव भी पढ़ेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट द लाइकन, तीन पार्ट में मैंने करके बता दिया। कल आपकी क्लास होगी, इसी समय होगी, मशरूम कल्टिवेशन के बारे में मैं थोड़ी जानकारी दूंगा। सो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। बस आप लोग थोड़ा कम जुड़ रहे हैं, थोड़ी दिक्कत ये हो रही है मुझे। चलिए, जिनके पास भी हो सकता है सुविधा नहीं होगी, बहुत सारी चीजें नहीं होंगी, फिर भी अपने शेयर करते रहिए मटेरियल को, बाकी हम लोग तो यूट्यूब पे डालने की कोशिश करेंगे। यस सर, दोनों क्लास साथ ही में चलना स्टार्ट हो जा रहा है सर, जियोलॉजी का और बॉटनी का। नहीं बेटा, अब नहीं होगा, बात हो गई है उन लोगों से, है ना, उन लोगों से बात हम लोगों ने कर ली है, अब वो अलग अलग टाइम पे लेंगे क्लास अपनी। ओके बेटा, ओके, थैंक यू।